हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो सब? मैं श्वेता स्वागत कर रही हूँ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल के। आज मैं फर्स्ट डे से इल्ले ड्रेस पहनी हूँ और ये वाली दुपट्टा लगा ली हूँ क्योंकि ये कॉटन है ना, स्कूटी चलाने में सही रहता है, स्लिप नहीं करता इधर से। और मानवी का आज बोला है लेट, हाँ तो चलते हैं पहले जल्दी से, मानवी को छोड़ के आते हैं, फिर बातें साथे चलती रहेगी हमारी आपकी। अभी मैं मानवी को स्कूल छोड़ के आ गई थी यहाँ पे कुछ मानवी के लिए लेने के लिए, जो देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं उसे उसके लिए। और यहाँ पर देखो ये वाली चूड़ी सब उड़ीसा में खूब लोग पहनता है, बट हमारे इधर उतना नहीं मिलता है, हमारे बिहार में ये सब। तो देखते हैं मानवी के लिए यहाँ से क्या क्या खरीद रहे हैं। मानवी की दुकान से खरीदते ही बड़ा ठगते हैं भी हमको, यहाँ पर बिहारी समझ के ठग के निकल लेते हैं। अरे ये कलर है मेरे पास, पिछले बार आप ही के यहाँ से तो ले गए थे थोड़ा। और ये जो एक आता है ना इसमें और मिक्स वाला, वो नहीं रखे हैं क्या? हाँ मिक्स वाला, मिक्स वाला ग्रीन कलर का, सुगा ग्रीन में है क्या? मैं सब कुछ लेके अब यहाँ से निकलेंगे सानवी को लाने के लिए गाइस। सबको टॉफी मिल रहा है गेट पे, मैडम टॉफी बांट रही है। आ गए लेट आई थी, कहाँ लेट आए हम, तो जल्दी आ गए हैं। ट्रॉफी मिला आज, चलो गाइस। अभी मैं सानवी को लेके आ गई, उधर से चली गई थी मैं मार्केट, आप लोगों को ब्लॉग मतलब मैं खुद भी नहीं बता नहीं पाई थी, तो लेट होते रहता है ना कल, क्योंकि कल है मानवी का बटिया का हमारी बर्थडे, तो उसके पास ब्रासलेट है, लेकिन मैं सोची एक और कुछ अलग मिल जाए तो लेके आ जाऊँगी। तो गई तो ये वाली ब्रासलेट मैं लेके आई, आप लोग बताना ये वाली ब्रासलेट कैसी लग रही है। ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, बस ऐसे इसके लिए ब्रासलेट और थोड़ी सी मेहंदी ले आई थी, जो बर्थडे है तो थोड़ा मेहंदी लगा दूँगी, तो वही सब लाने गई थी। और मेरा ना बाल के लिए रबर लेना था, इतना सी महंगाई कहाँ चला गया है भगवान, कुछ नहीं पता चल रहा है गाइस। ये रबर मैं पहले 5 रुपए लाती थी, ये वाली रबर कुछ भी नहीं है, इस रबर में कुछ है कुछ भी नहीं है, और आज ये रबर मुझे 15 यानी कि 30 रुपए में दो दिया है वो दुकान वाला। मैं बोलती अरे भाई कम से कम 20 तो ले लो, तो नहीं दीदी 30 से कम में नहीं होगा करके, मतलब सोचो जो 5-10 में जो लेते थे वो आज हमें 15 में लेने पड़े हैं, 30 रुपए में दो लाई। और कितना मतलब, एक तो मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं था, लेकिन मैं ऐसे प्लेन वाली रहती है ना सही रहता है, तो क्या प्लेन वाली बाल में फंसता नहीं है, और ये वाली तो फंसते रहता है उलझते रहता है, तो सोचते एक तो टमाटर का दाम और बाकी साथ साथ बाकी चीज़ों का भी दाम वैसे ही बढ़ गया है, अदरक 400 का किलो दे रहा है, लहसुन 200 का किलो दे रहा है। पता नहीं महंगाई को क्या हो गया, हम लोग हम जैसे मिडिल क्लास में भी, मिडिल क्लास है हम लोग, लो वाले मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग के लिए सही में बहुत अजीब लग रहा है। आप सोचो ये एक पैर रंगा है, इसका वो 40 रुपये लिया है, बोला भाभी जी ये 40 रुपये का, बोले चलो दे दो। सोचो गांव में मेरे मायके में हम लोग 10-15 में खरीदते हैं, और यहाँ मुझे 40 में लेना पड़ा है, बता दो क्या कर सकते हैं। तो चलो हम चलते हैं, आज से मुझे तैयारी करना है मेरी बेटी का बर्थडे का, तो केक का ऑर्डर देने मैं इवनिंग में जाऊंगी, तो वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिख ही जाएगा। वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है जो ये आ गई स्कूल से, बहन वाली ला मेहंदी, ला मेहंदी दे दो, दे बेटा रख देती हूँ। तो चलो मैं अभी खाना नहीं खाई हूँ, जाती हूँ खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी, मिलना जुलना तो लगा ही रहता है। आज ब्लाउज कटिंग की उसकी, सबने काफ़ी तारीफ किया और काफ़ी अच्छा लगा सबको, वो स्टिचिंग वो तो निशान जो लगाने की जो मैं ट्रिक बताई थी वो सबको काफ़ी पसंद आया, तो थैंक यू सभी को, धन्यवाद। और मैं चलती हूँ थोड़ा कुछ पेट पूजा कर लेती हूँ। तो गाइस देखो अभी मैं रेडी हुई थी शॉर्ट्स बनाने के लिए, इंस्टा और फेसबुक और इधर यूट्यूब पर भी डालती हूँ, और हमारा बारिश फिर से टिप 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 करने लगा है, तो जो मैं सूखा कपड़ा था उसे लेके आ चुकी थी, और इधर सानवी मोबाइल तक तक देख रही, मुझे सानवी का भी सुलाना है, तभी मैं विंडो बंद करके पहले सानवी को सुला ही देती हूँ, नहीं तो ये बैठी रहेगी क्योंकि एक बज चुका है। बहुत मेहनत करना पड़ता है इस सब के लिए भी, आप लोग को भी पता ही होगा, जो लोग मेहनत करते हैं उन सबको पता है, मुझे ही थोड़ी ना सारे लोग करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसलिए सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, आगे हम लोग को बढ़ाइए। तो चलिए फिर मिलती हूँ सानवी को, पहले सुला देती हूँ। तो सानवी चूज कर रही है यहाँ पर, ये मानवी का था, ये रखो हमारी बेटी इतनी नहीं सुखड़ी है, इसी गाउन में मानवी कितना मस्त लगे थे मोटू मोटू, तो सानवी कल यही पहनेगी क्या? हाँ ठीक है सानवी को कल यही। तो ये फ्रॉक देखिए सानवी का, जब ये फर्स्ट टाइम नानी के घर गई थी तो इसका मामू फर्स्ट, मतलब सोचो ये 1 साल की थी तो पहला बार गई थी, तब ये फ्रॉक सानवी को मिला था,
लेकिन सानवी को अभी भी हो रहा है, देखो अभी भी आ रहा है। देखो सानवी इधर देखो उसको फेस। लेकिन ये क्या है ना, सानवी पहनती ही नहीं है, डरता भी है बेटा, चुभता भी है, बचपन में भी ये रोती थी। और मामू इसका देखो कितना झंफार उठा के ले आया था, चुभता है। गाइस देखो अभी इवनिंग का टाइम है, मैं इधर आ गई हूँ नाश्ता में, बनाई हूँ पापड़ तिलौड़ी और ये हलवा बनाई थी पतिदेव को, मैं दे दी हूँ। वो आ चुके हैं ड्यूटी से, मैं ट्यूशन पढ़ रही है और पतिदेव सानवी यहाँ पे नाश्ता कर रही है बैठ के। गाइस हमारा नाश्ता पानी हो गया, अब हम जा रहे हैं घूमने फिरने। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर दे रहे हैं, नहीं तो हमारी इस वाली ये वाली वीडियो ना काफ़ी बड़ा हो जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग पहले जुड़े हैं हमारे साथ, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बढ़िया बढ़िया कंटेंट देखने को मिलेगा आपको। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।